एवरीवन, कि आपको पता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म सिटी कौन सी है? वो है रामोजी फिल्म सिटी। और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ये तो हो गई आंध्र प्रदेश के जीके की बात। अब आज यहाँ के हम सिविल जज के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। मैं फिर से आई हूँ हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ, और आज जिस स्टेट में टेकअप करने जा रही हूँ वो है आंध्र प्रदेश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। यहाँ का एग्जाम भी 3 राउंड्स में होगा। पहला राउंड होगा प्रिलिमिनरी राउंड, दूसरा होगा मेंस एग्जामिनेशन का, और फाइनल राउंड होगा इंटरव्यू का राउंड। अब इन राउंड्स को हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम पे। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। पहले हम पैटर्न देखते हैं कि यहाँ के प्रिलिम्स का पैटर्न क्या है। यहाँ का प्रिलिम्स जैसे हर स्टेट का होता है वैसा ही होगा। एक पेपर आएगा और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100। हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो भी होंगे 100। और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। और ये है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम। मतलब जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में स्कोर के हुए मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। जो यहाँ का सिलेबस है वो सेम है मेन्स एग्जामिनेशन का। तो हम इसे मेन्स एग्जामिनेशन का जब डिस्कशन करेंगे तब डील करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे राउंड पे, जो कि है मेंस एग्जामिनेशन का राउंड। अगेन इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। तो पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेचर के एग्जाम हो गए यहाँ पे, जैसे हर मेंस का एग्जाम होता है। टोटल 3 पेपर होंगे, एक सिविल लॉ का पेपर होगा, एक क्रिमिनल लॉ का और एक इंग्लिश का। हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो होंगे 300। और हर पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखते हैं इन्होंने पेपर का डिवीजन कैसे किया है। तो पेपर वन इन्होंने बनाया है सिविल लॉ का, पेपर टू ये देंगे क्रिमिनल लॉ का, और जो लास्ट पेपर होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इन राउंड्स को भी वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पेपर वन पे, जो कि सिविल लॉ का है और 100 मार्क्स का है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये है उसका सिलेबस। थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ईजमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल रूल ऑफ प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, आंध्र प्रदेश लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट, आंध्र प्रदेश बिल्डिंग्स लीज रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल एक्ट, और इंडियन एवेडनेस एक्ट। ये सारे सिविल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं और इस पेपर में आपको ये सारी चीजें पढ़ के जानी है अच्छे से, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करिए। अब चलते हैं दूसरे पेपर पे, जो कि है क्रिमिनल लॉ का पेपर, पेपर टू। अगेन ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसका सिलेबस ये है, कंपैरेटिवली सिविल लॉ से छोटा है। इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, आंध्र प्रदेश एक्साइज एक्ट, आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सिलेबस बड़ा है लेकिन सिविल लॉ से छोटा है, तो आप अच्छे से इस पेपर को भी प्रिपेयर करके जाइए। अब चलते हैं थर्ड पेपर पे, जो कि फाइनल पेपर है मेंस एग्जामिनेशन का। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, अगेन ये 100 मार्क्स का है। इसमें 2 चीजें आएंगी, एक आएगा ट्रांसलेशन और एक आएगा एसे राइटिंग। ट्रांसलेशन आपको करना होगा इंग्लिश टू तेलुगु और तेलुगु टू इंग्लिश। मतलब अगर आप इस स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आप वहाँ के होम स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आपको आती होगी। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। ऐसे ऐसे का टॉपिक आपको दिया रहेगा और उस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड्स का, लेकिन आप बढ़ा के या कम करके भी लिख सकते हैं। तो ये था मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। अब आते हैं इंटरव्यू राउंड पे, जो कि फाइनल राउंड है। यहाँ का इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये आपको टेस्ट करेंगे आपके एकेडमिक नॉलेज पे। वो एकेडमिक नॉलेज सिर्फ लॉ पे कन्फाइन नहीं होगा, वो आपके अभी तक की जितनी भी पढ़ाई हुई है उन सबसे रिलेट करके पूछ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करेंगे। टैक्ट एंड एबिलिटी टू हैंडल वेरियस सिचुएशंस इन द कोर्ट विल बी टेस्टेड। मतलब वो आपको कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन दे सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। और अगर आप आंध्र प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस स्टेट के बारे में सारी चीजें पढ़ के जाइए। अगर आपका होम स्टेट नहीं है ये, तो आप अपने होम स्टेट के बारे में भी सारे स्टैटिक और करेंट इवेंट्स पढ़िए। तो ये तो हो गया इंटरव्यू का पैटर्न। साथ ही साथ इन्होंने क्राइटेरिया दे करके रखा है सिलेक्शन का, कि किस तरीके से ये आपको कॉल करेंगे और किस तरीके से ये आपको फाइनल सिलेक्शन देंगे, क्या वेटेज होगा। तो अगर आप फॉर इंटरव्यू कॉल, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मेंस के सारे पेपर में आपको 55% लाना होगा और इन एग्रीगेट 60% मिनिमम।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो हर पेपर में आपको मिनिमम 50% लाना होगा और इन एग्रीगेट 55% लाना होगा। और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो आपको हर पेपर में 45% स्कोर करना होगा, एग्रीगेट 50% स्कोर करना होगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है इंटरव्यू कॉल के लिए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट मेंस और इंटरव्यू को मिला करके, ये मिनिमम स्कोर है। और अगर आप एस सी एस सी कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट रिटन और इंटरव्यू को मिला करके। तो ये इन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है जो आपको फुलफिल करना होगा और तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। तो ये था मेरा पूरा वीडियो आंध्र प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये सारे हैं, आप इनमें से किसी के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।